हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ नायका शॉपिंग हॉल की, और मैं कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं, कुछ चीज़ें मैंने रीपरचेज़ की हैं, इनके विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो नायका का, मैंने नायका लग्जरी स्टोर से कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं। और नायका का जो नॉर्मल पैकेजिंग आती है, उसमें आप नॉर्मल जो ब्रांड्स होते हैं उनकी परचेजिंग करते हैं, और अगर आप लग्जरी स्टोर से मिनी साइज़, बिग साइज कुछ भी मंगाते हो, तो फिर वो दोस्तों इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। और इसमें ना एक थैंक यू कार्ड भी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है। ओके, अब इसको साइड में रख देते हैं। तो मैंने क्या मंगाया है, मैंने मंगाया है न्यूली लॉन्च एडवांस्ड नाइट रिपेयर मल्टी रिकवरी कॉम्प्लेक्स। ये एस्टे लॉडर का मल्टी रिकवरी कॉम्प्लेक्स जो न्यू फेशियल सीरम है, वो मैंने परचेज किया है 75 ml। और इस पर ना अच्छा ऑफर चल रहा था, पहले मैं सिफोरा गई थी तो मैंने सोचा कि मैं स्टोर से परचेज कर लेती हूँ, तो सामने से मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिलेंगे या डिस्काउंट भी कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, अब फिर मुझे ये ऑनलाइन ही लेना पड़ा, ये मुझे सिफोरा में नहीं मिला दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत पैकेजिंग में आने वाला ये प्रोडक्ट, और इसको मैं ना 3-4 दिन से यूज़ भी कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इसके विषय में बहुत जल्दी बात करने वाली हूँ मैं आपसे। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है ये, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है एक्चुअली। तो इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सीरम है एस्टे लॉडर एडवांस्ड नाइट रिपेयर मल्टी रिकवरी, जी हाँ, इस बार मल्टी ऐड होकर के आया है, तो ये 75 ml 10,500 रुपये का है, और मुझे इस पर 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं मिला, ये पूरा 10,500 रुपये का पड़ा है। बट इट्स ओके, क्योंकि अगर आप स्किन केयर पे इन्वेस्ट करते हो और कुछ अच्छा लेते हो अपने लिए, एंड ये बहुत बहुत अच्छा है, और क्योंकि मैंने इससे पहले वाला भी यूज़ किया है, तो दोनों में मैं डिफरेंस बता सकती हूँ कि इस बार का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत फास्ट रिकवरी करता है फेस की, स्किन की। और इसके साथ ना ये बहुत ही प्रिटी सी किट मुझे फ्री मिली है, और आपको पता है मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पेपर, और इस पैम्पलेट के अंदर जो है जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आए हैं ना, उनके विषय में डिटेल दी गई है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, 4 चीज़ें मिली हैं मुझे, और पांचवा है ये पाउच। तो सबसे पहले क्या मिला है, ये है एस्टे लॉडर एडवांस्ड नाइट रिपेयर आई सुपरचार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की पैकेजिंग में है, 5 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी, एंड इसको भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। दिखने में इसका टेक्स्चर कुछ कुछ क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज जैसा है। उसके बाद में एस्टे लॉडर की रिवाइटलाइजिंग सुप्रीम प्लस नाइट इंटेंसिव रिस्टोरेटिव क्रीम है, जिस क्रीम को मैं आजकल बहुत ज़रा सा अप्लाई करती हूँ आफ्टर ANR, यानी कि एडवांस्ड नाइट रिपेयर के बाद में इस क्रीम को अप्लाई कर लेती हूँ, एंड इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है ना, वो 7 ml मिली है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, और इसके साथ में मिला है एस्टे लॉडर परफेक्टली क्लीन मल्टी एक्शन फोम क्लिंजर, या फिर आप कह सकते हैं प्योरीफाइंग मास्क है ये दोस्तों। ऑल राइट, और चौथी जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। सो ये है दोस्तों मस्कारा, जो इस तरीके की पैकेजिंग में आया है, मिनी मस्कारा, और इसका 2.8 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है। ये वॉल्यूम मस्कारा है एस्टे लॉडर का, 01 एक्सट्रीम ब्लैक, और ये भी मिला है। सो आई लव दिस किट, क्योंकि इसके अंदर मुझे 4 प्रोडक्ट मिले हैं, और ये पाउच भी बहुत ही प्रिटी सा है, और इस पे ना यहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई है, और इस पे एस्टे लॉडर लिखा हुआ है। एक सेकंड, सी, ओके। तो अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, तो ये जो है मैं थोड़े दिन और यूज कर लूँ, इसके बाद मैं आपको इसके विषय में बताऊंगी। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो ये है पॉन्ड्स की एज मिरेकल रिंकल करेक्टर डे क्रीम SPF 18 के साथ में, और PA++ है इसके अंदर, 99 रुपीज़ की मिली है। अभी मैंने इसको ट्रायल करने के लिए लिया है, मैंने पॉन्ड्स की एज मिरेकल क्रीम अभी ट्राई नहीं की है, तो मैंने इसको परचेज किया है 99 रुपीज़ में,
और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी पैकेजिंग अंदर की इस तरीके की है, और अंदर प्रोडक्ट आप देख सकते हो ये, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये मैंने मंगाया है रियल टेक्निक के इंस्टा पॉप आई ड्यूओ ब्रश शैडो, आई शैडो ब्रश है ये, और आप देख सकते हैं इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पैकेजिंग है, और ब्रशेस जो हैं बहुत ज़्यादा ही फाइन है। और अभी मैंने और भी चीज़ें जो है कार्ट में ऐड की हैं रियल टेक्निक के ब्रशेस स्पेशली, क्योंकि अभी मुझे मेकअप ब्रशेस जो है वो अच्छे लगने लगे हैं मेकअप करते समय, और मेरा हाथ भी थोड़ा सेट होने लगा है। बट दोस्तों ये 999 का है, और अमेज़ॉन पे इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिखा रहा था, लेकिन मैंने इसे नायका से परचेज़ किया है। अब देखते हैं कि इससे काम करके देखते हैं मेकअप करके कि ये कैसा जाता है, मेरे आई शेडो को किस तरीके से ब्लेंड करता है। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगला है लॉरियल का टोटल रिपेयर 5 हेयर सीरम, और ये आप देख सकते हैं 70% रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट के साथ में आता है। सो इसका भी मैंने ना छोटा पैक ही मंगाया है इस हेयर सीरम का, और मुझे हेयर सीरम्स काफ़ी पसंद हैं, और इस तरीके की पैकेजिंग है। आई नो ये बहुत ही ओल्ड प्रोडक्ट है, बट अफोर्डेबल रेंज है तो मुझे ये ट्राई करनी थी। अगला मैंने लॉरियल का ही रिसेंटली एक रिव्यू किया है, लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम, जो कि ऑल हेयर टाइप है, और इसको मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, अभी भी मैंने यही लगाया हुआ है। तो ये जो हेयर सीरम है ना, ये भी मैंने नायका से ही परचेज़ किया था, एंड आप देख सकते हो इस तरीके की बहुत ही बढ़िया कांच की पैकेजिंग में आता है ये। और इसका जो प्राइस है 150 रुपये है लॉरियल पेरिस का जो टोटल रिपेयर 5 हेयर सीरम है। अगला मैंने परचेज़ किया है मिस क्लेयर का ऑयल कंट्रोल टिश्यू, और इसके अंदर ना 50 टिश्यू आते हैं दोस्तों। ये मेड इन कोरिया है, और ऐसा मैंने सुना है कि ये 175 रुपीज़ का भले ही है, इसमें 50 पीसेज हैं, और ये ऑयल को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है फेस के। तो देखते हैं कि इससे कैसा रिजल्ट आता है, इसको भी यूज़ करने के बाद बताऊंगी मैं। नेक्स्ट मैंने परचेज़ की है एवरयूथ के ये 4 अच्छे पाउडर फेस मास्क, और इसको मैं एज अ DIY फेस मास्क के लिए यूज़ करने वाली हूँ। एवरयूथ का नीम पैक लिया है, पपाया लिया है, एंड हल्दी चंदन है, और रोज़ है। तो ये चारों जो वेरिएंट हैं ये मैंने परचेज़ किए हैं फॉर डेली यूज़। और ये जो फेस पैक होते हैं ना, इसको रोज़ वाटर में मिला के बड़े आराम से अप्लाई किया जा सकता है। अगला मैंने परचेज़ की है लैक्मे की CC क्रीम, शेड है मेरा बेज, और ये मैंने छोटी क्रीम मंगाई है क्योंकि बड़ी वाली फिनिश हो गई थी, और ये शेड नंबर 01 है, और ये सिर्फ और सिर्फ 105 रुपये की है MRP, लेकिन इस पर ना अच्छा डिस्काउंट मुझे मिला है, और इस तरीके की पैकेजिंग इसकी है दोस्तों। देखती हूँ मैं, इसका कंपैरिजन मुझे करना है कई सारे BB और CC क्रीम से, इस वजह से मैंने परचेज़ किया है। इसी के साथ मैंने ली है लैक्मे 9 to 5 की CC कलर ट्रांसफॉर्म क्रीम बेज ऑल्सो। ये क्रीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो है ये मोस्टली ये खर्च हो जाती है, इसको मैं डे टाइम में लगा लेती हूँ क्योंकि इसमें सनस्क्रीन भी मिल जाता है और फाउंडेशन वाला लुक भी मिल जाता है, और डे क्रीम भी है इसके अंदर। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है सेवलॉन के ये जर्म प्रोटेक्शन वाइप्स, और लैक्मे कलर ट्रांसफॉर्म CC जो है 399 की MRP है, लेकिन इस पर बढ़िया डिस्काउंट आता है, और ये 45 रुपीज़ के हैं सेवलॉन के जो वाइप्स हैं, ये डेली हाइजीन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और नेक्स्ट मैंने ली है मेबेलिन न्यूयॉर्क की क्लियर स्मूथ ऑल इन 1 BB क्रीम, जो कि 21 SPF के साथ में आती है, PA++++ के साथ में, 02 नेचुरल मेरा शेड है दोस्तों। देखते हैं इस अफोर्डेबल BB क्रीम से मेरा मेकअप लुक कैसा होता है, क्योंकि ये जो अफोर्डेबल BB CC क्रीम्स होती हैं ये डेली के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। उसके अलावा मैंने एक पिक्चर शेयर की थी थोड़े दिन पहले, सोचिए तब से मेरा जो सामान है वो धीरे धीरे आ ही रहा था, शिपिंग और कोविड की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है सारे सामान को एक साथ आने में। तो मैंने NK के ये 3 आई शेडो पैलेट्स परचेज़ किए हैं, सबसे पहला है शुगर प्लम, उसके बाद है अंडर द सी, एंड तीसरा है ऑटम स्पाइस। तो ये 3 मैंने परचेज़ किए हैं, आप देख सकते हो
ओके और जो मैंने अमेजोन से इसके बचे हुए वेरिएंट परचेज किए थे वो तो बिल्कुल टूटे हुए आए थे, तो मैं अमेजोन से बिल्कुल परचेज करने को नहीं बोलूंगी ये वाले आई शेडो, क्योंकि मैंने कंप्लेन भी की थी और मैं उसका आपको अभी हाल दिखाऊंगी, इंस्टा पे आप चेक कर लीजिएगा, फोटो अपलोड करूंगी। और लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंट स्किन लाइटनिंग कॉम्पैक्ट SPF 23 मैंने परचेज किया है, क्योंकि ये 185 रुपीज़ के MRP पे आता है, लेकिन ये 150 रुपये तक पड़ जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इससे मुझे मिलता है दोस्तों। इसी के साथ में मैंने लिया है मेरा मोस्ट फेवरेट लैक्मे एब्सोल्यूट का मूज फाउंडेशन, और ये मेरा शेड है 01 आइवरी फेयर। 825 इस पे प्राइस लिखा है, लेकिन ये अच्छे डिस्काउंट पे मुझे मिला है। और ये आप देखिए, एक सेकेंड, मैं इसको 2 दिन यूज़ भी कर चुकी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये ऑलमोस्ट बिल्कुल भरा हुआ है। तो ये जो फाउंडेशन है ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है, बट फिर भी मॉइस्चराइजर आप ज़रूर लगाएं। और मूज फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है डेली के लिए। एंड नेक्स्ट है, ये नई चीज़ है मेरे लिए, और ये है बेला का रोज फेस टिश्यू। आप देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये रोज टिश्यू, और यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, अंदर पिंक कलर के टिश्यू हैं इसके अंदर। जी हाँ, वेट ए मिनट, इस तरीके से तो पिंक टिश्यू हैं, और इसमें फ्रेग्रेंस तो एज सच आ नहीं रही है, बट इसका प्राइस मैं बता दूँ आपको, ये जो बेला का टिश्यू है रोज़ 80 पीसेज मिले हैं मुझे, और प्राइस है 90 रुपीज़, लेकिन इस पे भी डिस्काउंट था तो इस पे आई थिंक 20 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट मिला, विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा मैंने 3 हेयर मास्क परचेज किए हैं, एक्चुअली 2 हेयर क्रीम हैं जो कि हैं फ्रॉम हिमालया, और हिमालया की ये मैंने एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए और एंटी डैंड्रफ के लिए हेयर क्रीम परचेज की है। 80-80 रुपीज़ की है, लेकिन ये 70-70 रुपीज़ में मुझे मिल गई। और इसके अलावा मैंने लॉरियल का हेयर स्पा परचेज किया है स्मूदनिंग के लिए, और ये आप देख सकते हैं मुझे घर पर हेयर मास्क लगाना अच्छा लगता है, और मैं अपने घर पर ही अपने बालों की केयर कर लेती हूँ जिससे ये सॉफ्ट और स्मूद बने रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इनमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छे हेयर मास्क लगाइए, अच्छे हेयर सीरम लगाइए, अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, शैम्पू कंडीशनर और हेयर सीरम और हेयर क्रीम या जो भी चीज़ें बालों के जड़ों को मजबूत बनाती हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, अच्छे से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हो। बहुत सारे लोग तो घी लगा लेते हैं बालों में, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, उससे आप मसाज कर सकते हो वीकली। और ऑलिव ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, तो ये चीज़ें मैंने आज नायका से, मुझे सारी चीज़ें रिसीव हो गई हैं फाइनली दोस्तों, और अब मैं इन्हें इस्तेमाल करने के बाद इनके विषय में आपसे ज़रूर से शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं मेरे फेवरेट को ही शेयर करने वाली हूँ, और क्योंकि इसकी पैकेजिंग पहले थोड़ी सी राउंड आती थी, अभी बिल्कुल आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसमें कई सारे साइज़ अवेलेबल हैं, बट मुझे लगता है कि छोटा साइज परचेज करने में पैसे वेस्ट ही हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम आता है। और एवरयूथ के जो ये फेस पैक हैं ये 18-18 रुपए के हैं, जो मुझे 15-15 रुपए के पड़ गए दोस्तों। इसमें 3 जो हैं वो 20-20 रुपए के हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एनके के आई शेडो पैलेट है, ये तीनों पैलेट्स मुझे 900 रुपीज़ में मिले हैं, वैसे एक का प्राइस 600 रुपए है। और बात करूँ मैं लॉरियल के हेयर स्पा की, तो ये मुझे 600 रुपए में मिला है, और इस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं था। और रियल के जो ये ब्रशेस हैं ये दोनों 1000 रुपए के पड़े हैं, 999 रुपीज़ के। और बात करूँ इस मेबिलिन बीबी क्रीम की, तो दोस्तों ये 225 रुपए की ही है। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आया हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और मेरे अनदर वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड इन दिनों थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ चल रही है, इस वजह से मेरी ज़्यादा वीडियोज़ आ नहीं पा रही है, तो बहुत जल्दी ही मेरी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, और भी अच्छी और न्यू वीडियोस। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।